अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल शिबाजी मा व्लॉग्स। अमीर को सब खैरियत होंगे। आज ही हमारे साथ मियाँ साहब हैं, मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं, और ये अभी पुर्तगाल में हैं। और हमारे जैसे जैसे हमने यहाँ पे जर्नी स्टार्ट की थी, ये भी अपनी जर्नी स्टार्ट कर चुके हैं। तो काफ़ी ज़्यादा जो हमें जो मैसेज मिलते थे, कॉमेंट लोग करते थे, जो फैमिलीज़ मूव करके आ रही हैं यूरोप में गल्फ साइड से, उनके बच्चों के लिए, बच्चों से रिलेटेड के स्कूल में एडमिशन कैसे करवाएं, उनका क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आती हैं और किस तरह आती हैं। मियाँ साहब इस प्रोसेस से गुजर चुके हैं, तो मियाँ साहब से तो प्रैक्टिकली आपको वैसे इंटरनेट के ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा मिल जाएगी, लेकिन एक प्रैक्टिकली जो वर्क होता है उसकी एक डिफरेंट वैल्यू होती है। तो वो मियाँ साहब हमारे साथ शेयर करेंगे हमारे चैनल के ऊपर। तो मियाँ साहब बताएँ जी हमारी ऑडियंस को कि आपने किस तरह डॉक्यूमेंटेशन अरेंज की और किस प्रोसेस के थ्रू आप गुजरे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डॉक्यूमेंटेशन इसके लिए देखें जी, बहुत फर्स्ट स्टेप जो है डॉक्यूमेंट्स ही इम्पॉर्टेंट हैं। दूसरी बात, यहाँ पे जैसे हमारे मुल्कों में भी एडमिशन का टाइम होता है वो मार्च से लेके जुलाई, जुलाई 21 तक डिफरेंट क्लासेस के लिए, उसके बाद जो एडमिशन बंद हो जाते हैं। एडमिशन जब ओपन होते हैं तो आपको स्कूल्स में जाने की भी ज़रूरत नहीं, आप इनका पोर्टल है स्कूल्स का जो है वो ऑनलाइन अपनी चीज़ें सब जो है वहाँ सबमिट कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद वो स्कूल वाले आपको बुला लेंगे, जब आपने इक्वलेंस करवानी है, जो भी बच्चों के सर्टिफिकेट्स हैं उनका इक्वलेंस का फॉर्म फिल करके वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को इक्वलेंस के लिए भेज देते हैं। लेकिन जो सबसे ज़रूरी इंफॉर्मेशन जो आप लोगों ने अपने जहन में रखनी है कि आने से पहले बच्चों के तीन डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, जो आप अपने मुल्क से लेके आएंगे और उनको लीगलाइज करवा लेंगे, जिसमें बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट है, उसकी लास्ट मार्कशीट है जो क्लास उसने पास की हो, और स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट जिस पे क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ रहा है और कौन सी क्लास क्लियर कर चुका है। ये वर्डिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये तीनों डॉक्यूमेंट्स को आपने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से अटेस्ट करवा के लेके आना है, और यहाँ पे आके आप पाकिस्तान या इंडिया या जो भी आपके मुल्क की एम्बेसी है उससे आपने अटेस्ट करवा लेना। उसके बाद आप डॉक्यूमेंट्स को ट्रांसलेशन के लिए दे दें, और फिर ट्रांसलेशन के बाद जो है डॉक्यूमेंट्स आपके रेडी हैं स्कूल में सबमिट करने के लिए। तो मैं सबसे एक बात यहाँ पे पूछूंगा कि जो लोग गल्फ से आते हैं उनको ये कन्फ्यूजन होती है कि गल्फ से, क्योंकि हमें जो हमारा जो नेशनलिटी पाकिस्तानी होती है, तो जो गल्फ से मूव करके आते हैं उनके लिए कोई एडिशनल कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट वहाँ से चाहिए होता है उस कंट्री से कि नहीं बच्चों के लिए? उसके लिए देखें जी, एडिशनल डॉक्यूमेंट जो है बच्चों के लिए नहीं, आपके लिए होगा कि अगर आप वहाँ से मूव करके आ रहे हैं तो फिर जब आपने बाद में रेजिडेंसी भी अप्लाई करनी है तो आपके पास पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट दोनों मुल्कों का होना चाहिए कि जहाँ आप रह चुके हैं, बिकॉज वहाँ आप ऑफ कोर्स एक साल से ज़्यादा एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई डॉक्यूमेंट एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ से कुछ नहीं, यही डॉक्यूमेंट्स है। अगर वहाँ के स्कूल्स में पढ़ रहे हैं तो वहाँ के स्कूल से जो है लास्ट उनकी जो मार्कशीट है, उसके बाद जो है स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट, और वो वहाँ की मिनिस्ट्री से जो है वो लीगलाइज्ड होना चाहिए, और फिर जहाँ आप आके उसी मुल्क की एम्बेसी से लीगलाइज करवा के ट्रांसलेशन करवा लेंगे। हाँ, फोर्थ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है बच्चों के लिए, वो आपने उनका वैक्सीनेशन रिकॉर्ड भी लेके आना है, वैक्सीनेशन रिकॉर्ड भी ला के यहाँ से ट्रांसलेट करवाना है, और उनका SNS नंबर बनवाना है जो यहाँ के हेल्थ सेंटर जो जिस भी इलाके में आप रहते होंगे, जो फिर स्कूल किस स्कूल को अप्रोच करना है वो भी डिपेंड करता है कि आपकी रेजिडेंसी जो है वो किस एरिए में, आपकी रिहाइश किस एरिए में है, यहाँ लिस्बन में या पुर्तगाल में, उस एरिए का आपके पास रजिस्टर्ड एड्रेस होना चाहिए जिसको यहाँ पे जुंता कहते हैं। तो वो जुंता के हिसाब से फिर स्कूल आपके डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट करेगा, अगर आपके पास उस एरिए का जुंता नहीं है तो स्कूल आपके डॉक्यूमेंट्स भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। अच्छा, बच्चे जब स्कूल में एडमिशन करवाते हैं तो फिनांस से भी कुछ बच्चे का कोई डॉक्यूमेंट्स लेना होता है, वहाँ पर सबमिट करवाना पड़ता है डोमिसाइल वगैरह जैसे होता है? देखिए, डोमिसाइल अगर तो फाइनेंस का डोमिसाइल आपके पास है उस एड्रेस का जिस जहां आप रह रहे हैं, फिर आपको जुंता की ज़रूरत नहीं होती है। अगर वो आपके पास है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो फिर आपको जुंता की ज़रूरत है उस एरिया के। और बच्चों के जो ये स्कूल के डॉक्यूमेंट्स के साथ ऑफ कोर्स आपको बच्चों का और आपका भी फाइनेंस नंबर चाहिए, बच्चों का और पेरेंट्स का सोशल नंबर भी चाहिए, ये सब के बने हुए होने चाहिए यहाँ पे। जब आप आएँ तो सबसे पहले आपने सोशल और निफ्ट नंबर, फाइनेंस नंबर जिसे कहते हैं, ये आपने बनवाने और जुंता बनवाना यहाँ पे, ये डॉक्यूमेंट्स बनवाने के बाद आपने प्रोसीड करना है स्कूल्स के लिए। अच्छा, ये स्कूल्स में सीट्स
यानी कि टाइम टू टाइम अवेलेबल होती हैं, यानी कि जैसे पूरा साल जैसे नहीं, जब मर्जी आए तो जो हमने बच्चे को एडमिशन करवा दिया, वो ऐसा सीन नहीं है यहाँ पे? नहीं, ऐसा है भी सीन, देखें 21 जुलाई के बाद से एडमिशन यहाँ पे क्लोज हो जाते हैं, उसके बाद जो है पोर्टल क्लोज हो जाएगा, लेकिन आप स्कूल्स में, अपने एरिया के स्कूल्स में अब फिर भी आप जाके एप्लीकेशन जो है वो सबमिट कर सकते हैं। तो फिर ये है कि बच्चे को वो पिछला कोर्स भी सारा जो है वो रिवाइज करना पड़ेगा उसको फिर। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके माशाल्लाह बेटे को एडमिशन भी हो गया, उसके फिंगर्स भी हो गए, तो कितने एडमिशन की कितनी देर बाद उसको जो है ना उसका एडमिशन के 3 दिन बाद जो आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। बच्चा जब स्कूल जाना शुरू कर देता है, दूसरे दिन या तीसरे दिन आप स्कूल से डिक्लेरेशन लेटर रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जी बच्चे के को सेफ के लिए हमें डिक्लेरेशन दे दें, तो वो स्कूल वाले सेम डे प्रिंट करके दे देते हैं। अगर बच्चा लेकिन 2-3 दिन स्कूल गया हो, ये नहीं है कि आज एडमिट करवाया और आज कहेंगे मुझे डिक्लेरेशन दे दें, उस सेम डे तो नहीं देंगे, लेकिन जब 2-3 दिन हो जाएंगे बच्चे को स्कूल जाते हुए तो फिर आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं और सेम डे आपको दे देंगे। तो ये जी बच्चे के, जैसे आपके बच्चे के रेजिडेंस कार्ड का इशू होता है, बायोमेट्रिक होता है, उसके बाद जो पेरेंट्स हैं वो भी बच्चे के बिहाव पे अपना रेजिडेंस जल्दी ऑब्टेन कर सकते हैं। तो जैसे बच्चे का हो गया, आपको लेटर, फिंगर लेटर मिल गया, तो कई लोगों की कन्फ्यूजन ये भी होती है कि सेम डे पेरेंट्स के भी हो जाते हैं फिंगर, तो पेरेंट्स को बाद में डेट लेनी पड़ती है या सेम डे उनका भी हो जाता है? अगर तो आपके पास 2 अपॉइंटमेंट्स हैं तो सेम डे भी हो सकता है। मैंने इमिग्रेशन वाले से, एजेंट से ही पूछ लिया था कि मेरा हो सकता है, वो कहता है आपके पास अपॉइंटमेंट एक ही है तो इसलिए आज बेटे का ही करूँगा, आप दोबारा अपॉइंटमेंट ले लें। तो मैंने क्लियरली पूछा था कि क्या मुझे रेजिडेंस कार्ड की ज़रूरत है, इसका वेट करने करूँ कि जब आए तो फिर अप्लाई करूँ? उसने कहा नहीं, ये जो फिंगर्स का पेपर दे रहा हूँ आपका, आप इस बेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आपको कार्ड की वेट करने की जरूरत नहीं है, और अगर आपका 2 अपॉइंटमेंट्स होती तो फिर आपके भी बायोमेट्रिक सेम डे कर सकते हैं। तो ये जी आर्टिकल 92 राइट, ये बच्चे का जो है सेकेंडरी एजुकेशन वाला, ये आर्टिकल 92 है, जो उसके पेरेंट्स का है वो आर्टिकल 122K है। 122K है। तो ये जी आज की वीडियो का ये टॉपिक था हमारा कि बच्चे की बेस पे जो है बच्चों को एडमिशन कैसे करवाना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। यहाँ पे काफ़ी सारी फैमिलीज आ रही हैं जो कन्फ्यूज़ हो रही हैं इन चीज़ों से, तो मियाँ साहब से हमने रिक्वेस्ट की थी, इनको थोड़ी तकलीफ़ दी हमने कि हम आए, जो आप प्रैक्टिकली इस प्रोसीजर से गुजर चुके हैं, ताकि जो आने वाले नए लोग हैं उनकी भी थोड़ी हेल्प हो सके, जो बच्चों के एडमिशन के लिए बड़े परेशान हैं। जाहिर है पेरेंट्स तो परेशान होते ही हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अगर मज़ीद कोई आपको क्वेश्चन करना है तो वीडियो के कॉमेंट में आप करके पूछ सकते हैं। नमाज़ पढ़ें जी, अपने लिए भी दुआ करें, हमारे लिए भी दुआ करें जी। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।